हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो सुबह है वो स्टार्ट होती है हमारे गर्मा गर्म पकौड़ी से, और हलवा बनाया है मैंने। इधर मैंने बिना प्याज के पकौड़े बनाए हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ प्याज और लहसुन। और आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहे हैं, एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े मेरे तैयार हैं। तो चलिए लेकर के चलते हैं हस्बैंड और बेटे के लिए, और उनकी बातें भी आप लोग सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। लवेंस की कूड़े वाली की ना मैं देखी था ना, मैच कर रही है, मैच कर रही है, मैच कर रही है। लवेंस वीडियो देख लेना, मामा क्या कह रहे हैं तुम्हारे, बोल रहे हैं कूड़े वाला। इधर जब भी उनकी छुट्टी होती है ना, लवियाँ पति देव ये तीनों एक हो जाते हैं और फिर मेरा मजाक बनाते हैं, खूब जम के जान बूझ के ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि जिससे कि मैं चिढ़ जाऊँ या कुछ भूलूँ। तो आप देख ही सकते हैं सुबह सुबह से ही हमारा शुरू हो गया है। और लवेंस को जब उन्होंने मेरे लिए बोला तो मैंने उनके भांजे के लिए बोला। भांजे के लिए मैंने इसलिए बोला कि जब भी मैं उनके लवियांस के लिए कुछ बोलती हूँ तो उनको सबसे ज़्यादा चिढ़ लगती है, तो इसलिए मैं स्पेशली लवियांस के लिए बोली। और लवियांस कौन है मैंने कई बार ब्लॉग्स में बताया है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मेरे बेटे का नाम तो हिमांशु है फिर ये लवियांस कौन आ गया। तो लवियांस है मेरी ननद के बेटे, जो कि मेरी ननद थोड़ी दूरी पर ही रहती हैं दिल्ली में ही, तो बस उनका आना जाना लगा ही रहता है जिस दिन भी मौका मिलेगा। मैंने पहले भी उनके वीडियो डाले हुए हैं, शायद आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, और बस उन्हीं के बारे में बोल रही थी, वो मेरे बारे में बोल रहे थे। इतनी चिड़न उनको तब नहीं होती है तब मैं उनके बारे में बोलती हूँ, लेकिन लवियांस के बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के लवियांस के बारे में बोल रही थी जिससे कि उनको बुरा लगे। तो बस हमारा जिस दिन भी छुट्टी होती है ना, तो हमारा दिन ऐसे ही निकलता है एक दूसरे का मजाक बनाते में ही। तो चलिए कोई नहीं, ऐसे ही हल्की फुल्की नोक झोंक हमारी चलती रहती है, हंसी मजाक। और लवियांस जिस दिन भी व्लॉग्स में आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये तीनों इतने ज़्यादा मजाक करते हैं मेरे साथ में, तीनों एक हो जाते हैं, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, और ऐसे ही व्लॉग को इन्जॉय करते हैं और आज की व्लॉगिंग की कर देते हैं स्टार्टिंग। जैसा भी कुछ होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इधर फिर सभी को खाने थे दोपहर में कढ़ी चावल, तो मैंने इधर कढ़ी बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। कढ़ी जो हमारे घर में सभी को इतनी ज़्यादा पसंद है, लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। सर्दियों में तो हमारे यहाँ कफ सबसे ज़्यादा कढ़ी साग यही चीज़ें बनती हैं, और इधर मैंने पकोड़े वगैरह बना करके रख लिए हैं, उनको मैं डाल दूँगी। तो लीजिए हमारी जो कढ़ी पकोड़ा है वो एकदम से तैयार हो चुकी है, और बस थोड़ी देर इसको उबालने के लिए हम छोड़ देंगे साइड में। और दिन में फिर कोई भी व्लॉग मेरा नहीं बन पाया था, जब ये घर पे होते हैं तो कैमरा उठाने का मन नहीं होता है। फिर उसके बाद में इनको शाम को कहीं जाना था अपना काम करने के लिए, तो ये वहाँ से आ गए हैं। आप लोग देखिए हिमांशु को पड़ी है आज टांग। ओए मैंने कब खोला, इसी ने खोली, इसी ने लैपटॉप निकाला था। इधर आप देख ही सकते हैं फिर से आ गए हैं हमारे लिए गोलगप्पे। हिमांशु को फ़ोन करेंगे, हिमांशु क्या खाना है, बस उसकी तो एक ही चीज़ है, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और ये जो गोलगप्पे आते हैं एक स्पेशल दुकान है जो कि इतने ज़्यादा टेस्टी बनाता है ना, सच में मन नहीं भरता है कभी भी, पेट भर जाता है लेकिन इसके गोलगप्पे खाते खाते कभी मन नहीं भरता है। तो चलिए हिमांशु के लिए लेकर के चलते हैं, हम सभी लोग इंजॉय करते हैं, हिमांशु का तो एक बहाना हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं कितना पानी है, दो तीन तरीका का पानी है लेकिन हमें जो पसंद है वही पानी लेते हैं। तो चलिए लेकर के चलते हैं गोलगप्पे और इंजॉय करते हैं। शाम को जब गोलगप्पे खाते हैं ना तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है। बाहर के लिए बोल रहे थे कि नहीं बाहर ही आ जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था बाहर जाने का बिल्कुल भी गोलगप्पे खाने का, तो घर पे ही लेकर के आ गए और हम लोग इंजॉय करते हैं गोलगप्पे। काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली के साथ में इस तरीके से। वो जो करोड़ों में है ना, वो मैं खुद हूं। इधर मैंने बनाई हुई थी इंस्टा के लिए रील्स, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ जा कर के टच कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के मुझे फॉलो कीजिए और अच्छी अच्छी रील्स को एंजॉय कीजिए, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स बनी हुई हैं। और बस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगता है वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मेरा आपके कॉमेंट से मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप सभी को, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी आप सभी को, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।